रेवाड़ी जिले की कौसली विधानसभा में कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन कर युवाओं से पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। सम्मेलन में हरियाणा कांग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्ष सचिन कुंडू मौजूदा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले युवाओं से वादा किया था कि वे उन्हें रोजगार देगी, साथ ही जिन युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है उन्हें हर महीने 6,000 रूपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन भाजपा ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। आज देश और प्रदेश का हर वर्ग सरकार से दुखी है। इसका जवाब गुजरात और हिमाचल में हो रहे चुनावों में अपना मत कांग्रेस को देकर जनता चुकता करेगी। मैं ये मान सकता हूँ कि सरकार पूरी तरीके से असफल है और आज के दिन पूरे तौर पे फेल बता सकता हूँ, क्योंकि आज के दिन का जो युवा है, हर वर्ग, भले ही किसान हो, भले ही कर्मचारी हो, भले ही व्यापारी हो, भले ही सैनिक हो, भले ही युवा, हर वर्ग आज के दिन परेशान है। एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो कि ये कह सकता हो दिल पे हाथ रख के कि मैं संतुष्ट हूँ। इनने कहा कि ये GST लाएंगे, इनने कहा ये नोटबंदी लाएंगे, ये एक के बाद एक प्रोग्राम तो करते गए, नोटबंदी लाए, उसके GST लाए, पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ये हाल कर दिया, जैसे कि जो आज से पहले जब आज़ादी के टाइम पे के अंदर जो हमारे रुपए की वैल्यू थी उस तरीके की सिचुएशन थी। इनने कहा कि इंटरव्यू बंद करेंगे, हरियाणा में इंटरव्यू खत्म करेंगे, क्या इंटरव्यू खत्म हुए? इंटरव्यू खत्म नहीं हुए जी, इंटरव्यू इन लोगों ने नहीं खत्म करे फिलहाल के अंदर, और जहाँ तक मुझे लगता है इन लोगों की आगे की नीति भी है कि इंटरव्यू खत्म, मतलब कि उसके मार्क्स कम कर देंगे पर इंटरव्यू खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू भी आप आज के दिन कोई भी, मतलब कि आपके SSC के अंदर कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई नई भर्ती होती है, इंटरव्यू उसका बड़ा अहम हिस्सा होता है जी। आज के दिन किसी भी भर्ती करते हैं सरकारी नौकरी के अंदर, उसकी टेस्ट भी होता है, रिटन टेस्ट भी होता है, इंटरव्यू होता है, उसके तौर पर उसकी पूरी इकट्ठा करने के बाद उसका